स्वाति मिश्र कहाँ हैं, निखिल वाट कहाँ हैं, इन लोगों ने अपनी कोरोना रिपोर्टिंग बंद क्यों कर दी, कहीं ये लोग बीमार तो नहीं पड़ गए, कहीं सरकार का दबाव तो नहीं पड़ गया, कहीं हमारा लल्लन टॉप बदल तो नहीं गया। इस तरह के हजारों हजार सवाल हैं जो पिछले एक डेढ़ हफ्ते से आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा कि कोरोना बुलेटिन पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले इन प्रश्नों के उत्तर दे दूं। लल्लन टॉप के सभी रिपोर्टर पूरी तरह स्वस्थ हैं, जानकारी नंबर एक। जानकारी नंबर दो, कोविड कवरेज क्यों रोक दी। एक ब्रेक लिया था कोविड कवरेज से, क्योंकि आपने देखा ही होगा लल्लन टॉप के सभी रिपोर्टर नौजवान हैं, रिलेटिवली, पॉलिटिकल भाषा में नहीं कि बुढ़ापे तक नौजवान रहे। तो जाहिर सी बात है कि 1 मई के पहले उनकी टीका लगवाने की आहर्ता नहीं थी, और 1 मई के बाद टीके के स्लॉट मिलने में किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, इसको लेकर मुझे कोई पोथा पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो हमारे रिपोर्टर्स ने अपनी यात्रा से ब्रेक लिया, टीका लगवाया, और एक हफ्ते के अंदर आपको नए सिरे से लल्लन टॉप के रिपोर्टर नई ज़मीन पर नज़र आएंगे, ताकि बता सकें कि आपके गांव, देहात और कस्बे में इस महामारी के चलते और वैसे भी स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी दर्शक हो जाएंगे जो कहेंगे कि अच्छा, आप कह रहे हो कि कोई बीमार नहीं है, और नेता नगरी में कह रहे थे कि प्रशांत और निखिल अस्वस्थ हैं। तो अस्वस्थता की कई वजहें हो सकती हैं, और जो अस्वस्थ है वो स्वस्थ भी हो सकता है, जैसे प्रशांत और निखिल हुए। तो आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से लल्लन टॉप का हेल्थ बुलेटिन दुरुस्त है। उम्मीद करते हैं आगे भी दुरुस्त रहे, ताकि आपकी सेवा में, आपके हित के संवाद के लिए हम तत्पर रहें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं। एक सवाल छूट गया है, सरकार का दबाव। हमारे ऊपर सरकार का दबाव नहीं होता, हमारे ऊपर उस नैतिकता का दबाव होता है जिसके तहत हमने ये पेशा चुना, और वो नैतिकता हमसे ये कहती है कि जो सरकार खुद से बताए वो विज्ञापन है, लेकिन जो सरकार या दूसरी शक्तियां छिपाना चाहें असली खबर वो है। पत्रकारों का शाश्वत सत्य यही है कि हमेशा एक समालोचना के मोड में रहें, संरचनात्मक विपक्ष की भूमिका में रहें, ताकि लोकतंत्र निरंतर मजबूत हो। सरकारों के पास प्रचार के लिए हजारों करोड़ का बजट होता है, हमारा काम है उस प्रचार की जमीन पर स्थिति को भांपना। तो इस मामले में भी आप निश्चिंत रहिए, आपका लल्लन टॉप सरकार के दबाव में नहीं, आपके दबाव में, नैतिकता के दबाव में काम करता था, करता है, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी करता रहेगा। कोरोना बुलेटिन पर लौटते हैं। शो की शुरुआत उस सवाल से जिसे आजकल लगभग हर शख्स अपने जानने वालों से पूछ रहा है, सवाल, तुमको स्लॉट मिला क्या? ये वो सवाल है जिसका जवाब हाँ में कम सुनाई दे रहा है। कोविन वेबसाइट पर स्लॉट बुक करने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं, ज़्यादातर को स्लॉट नहीं मिलता। अब बात करते हैं गड़बड़ी की। इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं उसका नाम आयुष तिवारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रहने वाले आयुष भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो कई दिनों से वैक्सीन का स्लॉट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बुक कर पाए तो नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर गए, देखा कि कई लोग टेलीग्राम नाम के एक ऐप पर एक ग्रुप के जरिए स्लॉट बुक करने की जानकारी शेयर कर रहे हैं। साइबर लॉ प्रोफेशन से जुड़े आयुष ने पूरे मामले की जानकारी निकालने की कोशिश की, तो पता चला कि मुंबई का रहने वाला एक हैकर सरकारी वेबसाइट को गैर कानूनी तरीके से एक्सेस कर स्लॉट बुक कर लेता है। आयुष को यह जानकारी कैसे मिली, आप खुद सुनिए। इस हैकिंग की प्रोसेस कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसने इलीगल तरीके से यूँ यूज़ करा है कि वेब API करके टेलीग्राम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक सर्विस, मान लीजिए सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोफेशनल तरीके से यूज़ होती है, लेकिन सरकार ने इसे ऑथोराइज नहीं करा है, लेकिन तो ये अनऑथोराइज एक्सेस कहलाएगा IT एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो अनऑथोराइज एक्सेस करके लोगों तक ये चीज़ पहुँचा रहा है। जब मैं जून पर गया था नॉर्मल सामान्य व्यक्ति बनकर वैक्सीन लगवाने के, चलो कभी वैक्सीन लग जाए आज, तो मैंने प्राप्त करा कि 8 से 10 लोग ये यूज़ कर रहे थे। 8 से 10 लोग, एक जने से मैंने पूछा तो उसने बोला भाई ये ग्रुप ज्वाइन कर ले, तुझे जल्दी पता चल जाए स्लॉट कब बुक होने वाले। ये मुंबई का बताया गया है जहाँ तक मैंने जानकारी प्राप्त करी, और इसका नाम सत्यम गोयल बताया जा रहा है। आयुष जिस API की बात कर रहे हैं उसका मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। सरकार ने कोविन वेबसाइट की API को सार्वजनिक कर दिया। सरल शब्दों में समझें तो सार्वजनिक का मतलब सरकार ने लोगों को अपने सिस्टम में आकर कुछ जानकारियां लेने की छूट दे दी।
6 मई को moneycontrol.com ने अपनी स्टोरी में बताया था कि कैसे कुछ लोग एक खास तरह की प्रोग्रामिंग के जरिए इस कोविन को छका रहे हैं। ये लोग एक खास तरह की स्क्रिप्ट को इस ऐप पर चलाते हैं, इससे वैक्सीन उपलब्ध होते ही उसका स्लॉट बुक हो जाता है। फिलहाल इंदौर शहर में स्लॉट की बुकिंग में हो रही गड़बड़ी के सारे सबूत जुटाने के बाद आयुष इंदौर के आईजी हरि नारायण चारी मिश्र के पास पहुंचे, डेमो देकर मामले की जानकारी दी। आईजी ने आयुष से मिली सारी टेक्निकल डिटेल्स को साइबर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर सख्ती से जांच के आदेश दिए कि जो मुख्य तौर पर वेबसाइट है, वेबसाइट पर जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है मुख्य तौर वैक्सीनेशन के लिए, उस वेबसाइट्स पे कुछ लोगों ने उसमें अनऑथराइज एक्सेस कर रखा है और विभिन्न तरह के सोशल ग्रुप्स के माध्यम से वो उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी कि कुछ लोगों को प्रिफरेंस पे जानकारी दे करके उन्हें जल्दी वैक्सीनेशन के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उसको बाधित कर सकते हैं। मुख्य तौर पर इसमें जो उन्होंने चीज़ें दी हैं, जो तथ्य दिए हैं, उन्हें सत्यापित किया जा रहा है। उन चीज़ों को अभी हमारी जो साइबर टीम है उसमें जो तथ्य दिए हैं, कुछ API से छेड़छाड़ करके उसमें कुछ उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेबसाइट में अनऑथराइज एक्सेस की बात की गई है, जो कि अगर IT एक्ट में देखें तो धारा 43 के अंतर्गत अपराध है। अगर इसमें यह बात सही है तो उसमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात ग्राउंड रिपोर्ट्स की, यहाँ भी शुरुआत हम वैक्सीनेशन के मुद्दे से ही करेंगे। सबसे पहले बात पंजाब की, यहाँ के वैक्सीनेशन सेंटर से जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब के ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर पर दोपहर 12 बजे ही वैक्सीन खत्म हो जाती है। इसकी जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े संवाददाता सत्येंद्र चौहान मोहाली के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। इस सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए किस कदर मारामारी है तस्वीरें देखकर समझ आता है। सत्येंद्र ने जब यहां वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे लोगों से बात की तो हैरान करने वाली बात पता चली। लोगों ने बताया कि सेंटर पर वैक्सीन के लिए VIP लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। मोहाली के गवर्नमेंट कॉलेज में हम मौजूद हैं और ये कॉलेज के अंदर आप देखिए भरा पूरा हॉल है और यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भी है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर अभी भी 18 से ज्यादा की उम्र वालों को वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही है। यहाँ पर ये जो तमाम लोग खड़े हुए हैं ये वो लोग हैं जो सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। आप कब से आए हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए? मैं 1.5 घंटे हो गया, पूछ रहा हूँ कब तक लगेंगे, और कहीं सेंटर है तो बता दो। 18+ और 4 दिन हो गया दौड़ते हुए मेरे को। 4 दिन से आप चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, कभी बोल रहे मंडे ट्यूसडे ऐसे करके, पर है नहीं कि बस टिके ही नहीं हो। आपने मेरे ख्याल से लगता रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, सारी चीज़ फॉर्म भी भरे हुए हैं। मोर ओवर दे आर सेइंग कि हमने सेकेंड डोज लगा रहे हैं, फर्स्ट डोज खत्म है, ठीक है, और हमने अभी हमारे सामने ही करें ये सिफारिश है, ये उसके हमारे सामने 3 बंदों के कोविशील्ड लगवा दी और वैसे करें कोविशील्ड खत्म है। और यहाँ पर बहुत सारे ये लोग भी हैं जो दूर दराज से आए हैं। आपका नाम क्या है? अंजलि। क्या करते हैं आप लोग? प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। तो आज क्या छुट्टी लेकर आए, कैसे आए? ऑफिस से ही आए डायरेक्ट। फिर क्या जवाब मिला यहाँ पे? यहाँ पर इन्होंने यही बोला कि अभी अवेलेबल नहीं है डोज, तो जब भी अवेलेबल होगी हम आपको कॉल कर देंगे, तब आप आ जाइएगा। तो आपको लगता है कि कॉल आएगी या फिर आपको ऐसे चक्कर लगाने पड़ेंगे? सर, इनका कोई शेड्यूल नहीं है, इन्होंने कोई टाइमिंग नहीं दी है। इनसे रेगुलर क्वेश्चन किया जा रहा है कि यहाँ पे कब वैक्सीन आएगी, कब रहेगा। इनका एक ही है कि जब आएगी लगा देंगे, कब आएगी कब लगा देंगे। कोई डेली के लिए तो हमें छुट्टी नहीं मिलेगी कंपनी से, एक दिन के लिए मिल जाएगी या एक और रिक्वेस्ट कर लेंगे तब मिल जाएगी, पर इनका तो कोई शेड्यूल ही नहीं है वैक्सीनेशन का। तो सर बहुत डिफिकल्टी आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे इतना क्राउड है कि कोई कोविड का कोई रूल रेगुलेशन यहाँ पे कोई फॉलो नहीं हो रहा सर। दरअसल ये जो बात कह रहे हैं उसकी पुष्टि इसी बात से होती है, देखिए सामने जो भीड़ है किस तरीके से लोग निकल रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जिनकी फर्स्ट डोज लग चुकी है उन लोगों को सेकेंड डोज दी जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात राजस्थान की। स्क्रीन पर लोगों की लंबी लाइन और भीड़ की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो राजस्थान के भरतपुर का एक वैक्सीनेशन सेंटर है। कोरोना को हराने वाली वैक्सीन को लगवाने के लिए लोग कतार में खड़े हैं, लेकिन यहाँ कोरोना से बचाने वाली सावधानियां गायब हैं। अव्यवस्था के इस माहौल में प्रशासन की लापरवाही का आलम ये कि लोग सुबह से खड़े हैं लेकिन सेंटर पर एक भी कर्मचारी नहीं। टाइम काफी हो चुका, टाइम से ज्यादा टाइम हो गया, कर्मचारी कोई आया नहीं, स्टाफ कोई आया नहीं, इसलिए उनका वेट कर करके जनता परेशान हो रही है। आप देख ही रहे हो कितनी जनता परेशान हो रही है, आप देखो। कितना टाइम हो गया होगा? करीब करीब यहाँ हमको घंटा भर हो गया, ज्यादा घंटा भर से।
राजस्थान में वैक्सीन की कमी है। यहाँ के कई गांवों में संदिग्ध मौतों का सिलसिला भी नहीं थम रहा। राजस्थान के फतेहपुर का एक ऐसा ही गांव है, नाम है नारी। यहाँ पिछले 16 दिनों में 9 लोगों की संदिग्ध मौत हुई। आसपास के कई गांवों में भी ऐसी ही स्थिति है। करीब 1500 की आबादी वाले इस गांव की बात करें तो लोगों का कहना है कि 60% से ज़्यादा लोगों में कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से मदद नहीं और लोग खुद ही बचाव के उपाय कर रहे हैं। आज नारी गांव के अंदर गांव को सील किया गया है। इसके अंदर गांव का कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जाएगा और न ही कोई बाहर का व्यक्ति गांव में आएगा। गांव के अंदर महामारी का प्रकोप बहुत भयंकर फैला हुआ है। पिछले 16 दिनों में 9 मौतें हो चुकी हैं। इसलिए गांव के संपूर्ण युवा साथियों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि गांव के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात कर्नाटक की। लॉकडाउन के बावजूद कर्नाटक में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही। राज्य का पॉजिटिविटी रेट अभी भी 40% के करीब है। सबसे ज्यादा प्रभावित शहर बेंगलुरु है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यहाँ के अस्पतालों में बेड की भारी कमी हो गई, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ खास तरह के सेंटर शुरू किए और इससे अस्पतालों का बोझ कम होता दिख रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप की संवाददाता नबीला ने इन सेंटर्स का जायजा लिया। कर्नाटका के बेंगलुरु में बहुत सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स बेड हॉस्पिटल बेड के लिए तड़प रहे थे और उनकी सुविधा के लिए अब गवर्नमेंट ने ये ट्रायजिंग सेंटर्स शुरू किया है, जो 35 ट्रायजिंग सेंटर्स है पूरी बेंगलुरु में। ये सेंटर क्या होता है, बेसिकली ये हॉस्पिटल नहीं है, ये सिर्फ एक कोविड केयर सेंटर है। ये सेंटर में डॉक्टर्स नर्सेज सब मौजूद हैं और जो भी कोविड मेडिकेशन है वो सब यहाँ पर सफिशेंट सप्लाई स्टॉक किया गया है और ऑक्सीजन बेड के साथ है। और जिनको भी थोड़ा सीरियस हो जाए तो उनको इमीडिएट अटेंशन यहाँ पर देते हैं, और अगर इसके बाद अगर सिचुएशन उनका इम्प्रूव ना हो तभी हॉस्पिटल के लिए वो लेके जाते हैं। तब तक ये केयर सेंटर बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करता है पेशेंट्स का। यहाँ पर ये ट्रायड सेंटर में लगभग 60 लोग अभी मौजूद हैं अंदर, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो लोग उनका केयर, ये सब नर्स और डॉक्टर्स उनका केयर कर रहे हैं, और जिनका भी सिचुएशन सीरियस हुआ तो यहाँ से वो हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। यहाँ पर यहाँ के जो मैनेजर है, आप बोल सकते हैं कि ट्रायजिंग सेंटर में क्या होता है, और पेशेंट्स हॉस्पिटल जाने से पहले अगर यहाँ आ गए तो उनका असेसमेंट करके फिर डिसाइड करते हैं कि हॉस्पिटल जाना है या नहीं। यहाँ पर जैसे ही पेशेंट आते हैं उनको अंदर लेके उनका सैचुरेशन लेवल चेक करते हैं, और इफ़ दे नीड ऑक्सीजन बेड, मतलब 84 सैचुरेशन के अगर ऊपर हुआ तो उनको अंदर ही रख के कॉन्सनट्रेटर लगा के यूज़ करते हैं। सपोज उनका सिचुएशन क्रिटिकल हुआ तो ही हम लोग हॉस्पिटल को भेजते हैं। अगर वो अच्छे ही है, फिट है, तो होम आइसोलेशन के लिए बोलते हैं और मेडिसिन यही पे ही उनको दे देते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इनकी जो पेशेंट्स की सुविधा के लिए ये ट्रायजिंग सेंटर शुरू कर दिया है, जो 30 से ज़्यादा ट्रायजिंग सेंटर्स है। ये सेंटर्स के थ्रू पेशेंट्स असेस करके फिर हॉस्पिटल जा सकते हैं। अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत ना हो तो यहीं से ही उनका पूरा इलाज करके घर भेज देते हैं। जाते जाते बात डॉक्टर के अग्रवाल की। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का सोमवार रात कोरोना की वजह से निधन हो गया। डॉक्टर अग्रवाल ने 28 अप्रैल को अपने ट्विटर अकाउंट पर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। कोरोना की चपेट में आने के बावजूद वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इस बीमारी से लड़ने के टिप्स देते रहे। सोशल मीडिया पर उनका आखिरी वीडियो वायरल है, जिसमें डॉक्टर अग्रवाल लोगों को जूझने का जज्बा सिखा रहे हैं। I am having COVID pneumonia which is progressive. But even then, remember Raj Kapoor's word, the show must go on. Picture अभी बाकी है। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। कोरोना से बचकर रहें, सावधानियों का पालन करें और मौका लगते ही टीका जरूर लगवाएं। शुक्रिया।